पर फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। दशरथ मांझी का नाम सुना आपने? दशरथ मांझी वो थे जिन्होंने पहाड़ काटकर और रास्ता बना दिया था। दशरथ मांझी एक अदद सड़क की मांग को लेकर के गया से दिल्ली तक पैदल चल गए थे। खैर, दशरथ मांझी के अंदर प्रेम था जो उनको ताकत दे रहा था, प्रेम अपनी पत्नी से। दशरथ मांझी की पत्नी का देहांत हो गया था एक अदद सड़क नहीं होने के कारण, जिसके बाद गुस्से में उन्होंने सड़क बना दी थी क्योंकि सरकार और प्रशासन से मदद नहीं मिल रही थी। जमशेदपुर के कुछ लोग हैं जो पैदल मार्च करते हुए दिल्ली निकल गए हैं। कौन है वो लोग? इनके अंदर प्रेम नहीं है, इनके अंदर गुस्सा है। जमशेदपुर के बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना के आधार में लटकने पर हर घर को पानी की मांग के साथ 21 सदस्यीय जत्था बागबेड़ा हर हर गुट्टू काली मंदिर से दिल्ली के लिए कूच कर गया। इस मांग को लेकर कि बागबेड़ा से दिल्ली के 93 दिनों के लिए पदयात्रा शुरू हुई है। इस पदयात्रा के तहत पहला जत्था रांची पहुंचकर राजभवन का घेराव करेगा और वहां से फिर दिल्ली के लिए रवाना होगा। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखा दीजिए एक बार। बागबेड़ा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हर घर पानी मिले, इसके लिए लगातार ग्रामीणों के आंदोलन को देखते हुए बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना की आधारशिला 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की ओर से रखी गई। इस परियोजना को साल 2018 तक पूरा हो जाना था, लेकिन 237 करोड़ की इस योजना में 211 करोड़ रुपए खर्च हो जाने के बाद भी ये अब तक अधूरी है। सब घर खाली रहता है, बाथरूम जाने के लिए पानी के लिए हम लोगों को सोचना पड़ता है। पानी का बहुत समस्या है, सब जगह पानी सूखा पड़ जाता है। एक एक बाल्टी के लिए आदमी परेशान रहता है, सभी जगह पानी आ गया है। अगर इस बार पानी नहीं आया तो हम लोग कभी वोट वोट कुछ नहीं देंगे। पानी का देखिए, दो बार बोरिंग कराया, पानी सूख गया, बहुत दिक्कत है। अभी पानी मोटर भी जल जाएगा, फिर बोरिंग कराए। 18 में बोला था पानी देंगे, अभी तक पानी नहीं दिया, पाइप कब दिया। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ आम लोगों ने सैकड़ों बार आंदोलन किया, पर निष्कर्ष शून्य निकला और क्षेत्र में जल संकट लगातार गहराता चला गया। इस योजना के तहत बने फिल्टर प्लांट का भवन जर्जर हो गया है। बड़ौदा घाट नदी में पाइपलाइन बिछाने के लिए बनाए गए पाए में दो पाया पानी में बह चुका है। स्थिति भयावह होता देख एक बार फिर से जन आंदोलन की शुरुआत की गई है और इस बार ये पदयात्रा के तौर पर है जो जमशेदपुर से वाया रांची होते हुए दिल्ली तक जाएगा। हम लोग आंदोलन क्रमबद्ध चलते रहा और अब हम लोगों ने आखिरी निर्णय लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाने के लिए जमशेदपुर के हर गुड्डू काली मंदिर प्रांगण से हम लोग पदयात्रा करके प्रधानमंत्री जी से मांग पत्र हम लोग सौंपेंगे। जब तक बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना, जब तक पानी जो है नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग की यात्रा जो है जारी रहेगी। 93 दिनों की इस पदयात्रा में सबसे पहले उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए राजभवन का घेराव किया जाना है, उसके बाद सभी लोग दिल्ली रवाना हो जाएंगे। पदयात्रा में शामिल लोगों में मेडिकल टीम भी शामिल है। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रवीण की रिपोर्ट। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे? इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? इससे बड़ी विडंबना और कुछ हो ही नहीं सकती। इतने साल बाद भी स्थिति यह है कि पानी के लिए लोगों को जमशेदपुर से रांची और रांची से फिर दिल्ली पैदल मार्च करना पड़ रहा है। ये तो विडंबना है, ये तो सच्चाई है जिससे आप रूबरू हो रहे हैं। आप देखिए इन लोगों को, इसमें कोई राजनीतिक दल का नहीं है, ये कोई राजनीतिक शख्सियतें नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, बस ये आम लोग हैं जो इस टेंशन में है कि भाई ये इस गर्मी में कैसे रहेंगे, कैसे जिंदगी चलेगी इस गर्मी में, और रांची से दिल्ली तक ये पैदल मार्च करने वाले हैं। किस मांग को लेकर के? कि भैया हमको पानी दे दो, प्यास अगर लगेगी तो हम प्यास बुझाएंगे कहां से। ये स्थिति है, इसी को विडंबना कहते हैं और शायद इसी को लोकतंत्र भी कहते हैं। वही लोकतंत्र जिसका डंका बजाते फिरते हैं कि ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। हाँ, यही लोकतंत्र है कि आजादी के इतने साल बाद भी अदद पानी के लिए लोग परेशान हैं।
जमशेदपुर से सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेदपुर से सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, समझ में नहीं आ रहा है कि हंसे कि रोए। अभी से कुछ दिन पहले तालियां बजा बजा के तिरंगे के नीचे जनगणमन गा रहे थे कि भाई लोकतंत्र मजबूत है, देखिए लोकतंत्र मजबूत है, देखिए ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोकतंत्र कहां पर कमजोर हो जाता है कि इतने साल बाद भी, 75 साल बाद भी पानी पीने के लिए तरसना पड़ रहा है और जमशेदपुर से दिल्ली पैदल मार्च करना पड़ रहा है। प्रवीण, जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं अभिषेक, वो बहुत ही विकराल है, क्योंकि 2015 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने आधारशिला रखी कि 2018 तक पानी जो है हर घर पानी मिल जाएगा, लेकिन स्थितियां जो है वो फिर अधर में लटक गई। योजना जो है वो अब धराशायी होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए लाखों लाख आबादी जो है लगातार जद्दोजहद कर रही है। हम आपको बता दें, जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं या जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं, ये पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे, और पूरे क्षेत्र में लाखों लाख आबादी जो है इस समय तरस रही है पानी के लिए। कोई इनका सुनने को नहीं है, समझने को नहीं है। अगर सरकार की बात करें तो उस समय अगर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने आधारशिला रखी तो उस समय जो सरकार थी उन्होंने क्यों नहीं 2018 तक इस योजना को पूरा किया। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर 2,37,000,237 करोड़ की लागत से इस योजना को कंप्लीट हो जानी थी, पूर्ण हो जानी थी, 211 करोड़ जो है वो खर्च हो चुका है। 237 करोड़ में 211 करोड़ खर्च हो चुका है, बावजूद इसके ये अधर में लटका। अगर किसी कारणवश मान लीजिए कार्यपालक एजेंसी ILFS की लापरवाही सामने आ रही है, अगर ILFS की लापरवाही है, 211 करोड़ खर्च हो गए हैं, उसके बाद दूसरी सरकार आती है तो फिर उस ये दूसरी सरकार भी अब तक ये योजना को क्यों नहीं धरातल पर उतार पाई, ये भी अपने आप में एक सवालिया निशान है। देखिए, बात तो पिछली सरकार की बात करें या हम वर्तमान सरकार की बात करें, खामियाजा जो है वो जनता को ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लाखों लाख आबादी जो है वो पानी के लिए परेशान है। हम आपको बता दें अभिषेक, जो स्थितियां बन रही है, लोगों को अब दिल्ली कूच करना पड़ा पैदल, मतलब 21 सदस्यीय ग्रामीणों का जो जत्था है वो आज चुका है। अब ऐसी स्थिति है कि इन ग्रामीणों में बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं, स्थितियां विकराल हो सकती हैं, उनकी स्थिति खराब हो सकती है, शारीरिक समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उन्होंने इनका इस बारे में नहीं सोचा। उन्होंने लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए, जल मुहैया कराने के लिए सर पर कफन बांध कर इस आंदोलन के लिए वे सब कूच कर गए दिल्ली। पहले तो वो जिले के उपायुक्त महोदय को उन्होंने उनका ध्यान आकृष्ट कराया, फिर अब वो बोल रहे हैं कि राजभवन जाएंगे, वहां घेराव करेंगे। अगर इस पर भी बात नहीं बनी तो वो सीधे दिल्ली चले जाएंगे और प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराएंगे। ये सबसे बड़ी बात है अभिषेक, कि एक टेक्नोलॉजी के जमाने में जहां हम ऊंचाई के शिखर पर पहुंच रहे हैं और अभी ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां बूंद बूंद पानी हैं, चाहे हम इसमें सरकार की बात करें, चाहे हम इसमें कार्यपालक एजेंसी की बात करें या फिर हम विभाग की बात करें, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही जो है वो तो सामने उजागर हो रही है। अब सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि विभाग, जो कार्यपालक एजेंसी है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। ब्लैकलिस्ट कर लेना, ब्लैकलिस्ट कर देने से समाधान अभिषेक नहीं निकलेगा, क्योंकि जो 237 करोड़ में 211 करोड़ अब तक खर्च हो चुका है और जो पाए बने थे, जो पानी का पाइपलाइन जो पूरे हर घर पहुंचना था, जिसके माध्यम से पानी हर घर पहुंचेगा, वो पाया भी नदी में बह गया। ये तो साफ तौर पर कार्यपालक एजेंसी और फिर विभाग की लापरवाही, इसमें सरकार को भी दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि सरकार ने अपना प्रयास किया। लेकिन सरकार को ये चाहिए कि सरकार अब इस मामले को गंभीरता से ले और वैसे कार्यपालक एजेंसी को काली सूची में डाले या फिर उसकी जांच करे कि आखिर जो निर्माण, जो अभी भवन बना है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना है, वो भी पूरी तरह से जर्जर हो रहा है, खंडर में तबदील हो रहा है। पाया जो है 22 पाया बनना था, 11 पाया का निर्माण हो गया, 2 पाया नदी में बह गया। तो बहुत सारे सवाल हैं जो इर्द गिर्द, इस समस्या के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो अपने आप में घोर लापरवाही को उजागर कर रहा है अभिषेक। लेकिन कहा जाए, लाखों लाख आबादी, इस हम लोग स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, आजादी हम लोगों को मिल गई, लेकिन जो पानी के लिए जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि स्थितियां और भी विकराल क्षेत्र में होती जा रही है। अब वो भगवान भरोसे ही ये छोड़नी है और अपने जान की परवाह किए बगैर ग्रामीण जो है वो सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। इलाके का विधायक कौन है प्रवीण? इलाके का विधायक संजीव सरदार है, लेकिन जो
झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से भी आते हैं और संजीव सरदार है जो अभी वर्तमान में विधायक है। पहले जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जब आधारशिला रखी थी तो उस समय मेनका सरदार जो है वो विधायक थी। हमने अभिषेक बताया कि जनप्रतिनिधि जो है इस मामले में दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधियों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है। थोड़े दिन पहले जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उन्होंने नदी पर उतर कर आमरण अनशन किया था, उपवास रखा था, उन्हें आश्वासन दिया गया था कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपकी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन निष्कर्ष जो है शून्य निकला। मानव श्रृंखला बनाई गई थी अभिषेक, मानव श्रृंखला बना करके यहां से सैकड़ों हजारों लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई थी कि इस समस्या का समाधान हो, लेकिन निष्कर्ष तो शून्य निकला। अब विधायक जो इतने बड़े आंदोलन हुआ और यहाँ दिल्ली से ये लोग पूछ किए, तो ऐसे में जरूरत थी कि विधायक भी, क्षेत्र के विधायक भी आज पहुंचते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, उन लोगों को आश्वासन देते हैं। अब 21 लोगों का जत्था जो दिल्ली के लिए कूच किया है, अगर भगवान ना करे ऐसी कुछ अनहोनी अभिषेक उनके साथ हो गई तो उन्हें जान भी गंवाना पड़ेगा और उसके बाद क्या स्थिति होगी, उसके बाद जो है सब एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आएंगे, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आएंगे। लेकिन अगर आज विधायक पहुंचते, ठीक है पहले जो भी स्थितियां हुई थी नहीं कुछ बना, लेकिन अब एक नए सिरे से अगर वो कोशिश करते और विधायक पहुंचते, बातचीत करते, चाहे वो पेयजल विभाग से बात करते या फिर कार्यपालक एजेंसी को फटकार लगाते या जांच का आदेश देते या संबंधित जितने भी जो पेयजल आपूर्ति मंत्री जो है उनसे संपर्क किया जाता तो कुछ निष्कर्ष निकलता अभिषेक, लेकिन स्थितियां जो है वो तो साफ तौर पर शून्य ही निकलता हुआ नजर आ रहा है अभिषेक। नवीन, एक सवाल का जवाब जो है समझना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले का मुझे याद आता है कि पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जमशेदपुर के दौरे पर थे तो बागबेड़ा वृहद जलापूर्ति योजना की चर्चा हुई थी, और जहां तक मुझे, शायद मैं गलत नहीं हूं तो मुझे गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा, जहां तक मुझे लगता है कि कुछ लोग, एक प्रतिनिधिमंडल पेयजल स्वच्छता मंत्री से मिला भी था। इसके अलावा उससे कुछ दिन पहले मुझे याद है कि सरयू राय भी दौरा कर करके, और उन्होंने भी जायजा लिया था कि भाई इसमें क्या प्रगति है, बागबेड़ा वृहद जलापूर्ति योजना जो है उसकी स्थिति क्या है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, इसका उन्होंने जायजा लिया था। जैसा कि आपने बताया कि जल सत्याग्रह भी इसको लेकर के हुआ था, ये तमाम चीजें भी हुई थी। तो मतलब एक बात जो समझना चाह रहे हैं, चूंकि ये अमूमन यही होता है, आप पीने का पानी मांगो तो सामने जो सरकार होती है, मान लिया अभी जेएमएम कांग्रेस की सरकार, ये बोलेंगे ये तो भाजपा वाले हैं जो पीने का पानी मांग रहे हैं। बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो फिर यही लोग जो पीने का पानी मांग रहे हैं ये बन जाएंगे कि ना ना ये जेएमएम कांग्रेस वाले हैं, ये पीने का पानी। तो अभी ये जो प्रतिनिधिमंडल जो दिल्ली के लिए रवाना हुआ है, इस प्रतिनिधिमंडल को किस तरीके से देखा जाए, ये जेएमएम वाला प्रतिनिधिमंडल है, कांग्रेस वाला प्रतिनिधिमंडल है या बीजेपी वाला प्रतिनिधिमंडल है? मतलब कौन सा प्रतिनिधिमंडल है? प्यासे मर जाने वाले कौन से लोग कहलाएंगे? बीजेपी वाले कहलाएंगे, जेएमएम वाले कहलाएंगे, कांग्रेस वाले कहलाएंगे? इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के लिए कूच कर गया है वो संपूर्ण घाघरी विकास समिति और बागबेड़ा महानगर विकास समिति, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, झारखंड के भी लोग हैं, मतलब कहने का मतलब है कि सभी पार्टियां के लोग जो है यहाँ इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल है जो दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान समय में सरकार है उस पार्टी के लोग नहीं है, जो पिछली सरकार है उस पार्टी के लोग हैं। इसमें सारे पार्टी के जितने भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल है। बहुत शुक्रिया आपका। और सरकार, चाहे रांची की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, शर्म करिए भाई, शर्म करिए, और हो सके तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। आपके लिए बस यही कह सकता हूं, मैं इसलिए कह सकता हूं कि अगर 75 साल बाद भी, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, जेएमएम की सरकार, मैंने कहा है सरकार आज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।